तो दोस्तों मैं जाने वाला हुआ चक्री घाट में। तो ये है एमपी की सबसे ज़्यादा डेंजरस घाटी। हंसना मत, है सही में डेंजरस। मेरी इच्छा हो रही है कि घर चले जाऊँ वापस, बट हाँ अकेले जा रहा हूँ मैं। गाइस यहाँ का एवरेज है कि डेली यहाँ पे 5 से 6 एक्सीडेंट्स होना ही है, वो भी बहुत से ट्रक्स तो यहाँ पे खाई में गिर जाते हैं। एक क्रेन तो ऑलरेडी यहाँ पे रहना ही है ट्रक्स उनको निकालने के लिए। और हाँ यहाँ पे भूस्खलन का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, ज़मीन ही खिसक जाती है। एक एक जगह तो ऐसा रास्ता है गाइस यहाँ पे कि रोड आधा हो चुका है, मतलब वन वे समझो उसको, जो कि आगे पीछे दोनों तरफ से चलेंगे ट्रक्स वहाँ पे। तो गाइस लॉकडाउन के कारण तो ट्रक उनका ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तो फिलहाल तो आप सोचिएगा ही नहीं यहाँ पे। गाइस मैं तो रिफ़र नहीं करूँगा यहाँ जाने का आप लोग को, बट मैं जा रहा हूँ अपने रिस्क पे। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ से हमारा चक्री घाट होता है चालू। ट्रैफिक देख सकते हैं आप लोग कैसे ट्रैफिक है यहाँ पे, ट्रक सुने और बात कर रहा हूँ हादसों की। ये देखो हमारा भी हादसा होने वाला था अभी, ट्रक देखिए आप। पर क्या करें गाइस, अब आगे निकलना है तो ओवरटेक इनको करना ही पड़ेगा। तो ठीक है ना, कर रहा हूँ ओवरटेक इनको भी। ये देख लो आप, इतने बेकार रास्ते, ये पत्थर पड़ा है शायद यहाँ पे। हाँ दिखा पत्थर। इच्छा हो रही है कि वापस चले जाऊँ, बट चल ही रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल। तो चल रही है ज़िंदगी, जी के भी क्या करूँगा। देखिए गाइस ऐसे मोड़े यहाँ पे, कोई कुछ बोल नहीं सकता कि कब कहाँ से ट्रक आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है आपका। गाड़ी भी देख सकते हैं आप, नहीं तब भी 60-70 पे चल रही है कैसे भी करके। ट्रक उनके पीछे तो नहीं रह सकती है, देखिए ट्रक, देखिए पीछे वाले को देखिए गाइस। सबसे ज़्यादा तो यही फटी थी हमारी, एक एक रास्ता तो आने का है अभी वहाँ पे देखना। ये देखो और आ रहे हैं ट्रक उन। तो गाइस सकरी चढ़ाई है, पूरे मोड़ इधर उधर पूरे मोड़ उन्हें जहाँ देखोगे वहाँ पे घाटा ही दिखेगा अपना, मौत ही दिखते सीधे सामने। क्या करें, आ गए गलती से हम आपके लिए। चलो देखता हूँ और कोई हादसा ना हो जाए मेरे साथ, अभी तो 2 बार मेरी जान बच चुकी है। ये देखो शायद ट्रक ख़राब हो चुका है सामने का, रास्ता भी कुछ काफ़ी अच्छा नहीं है यहाँ पे, एम्बुलेंस तक के फंस जाती है बहुत बार व्यू पॉइंट पे। पिछली बार रिसेंटली अभी 3 एम्बुलेंस फंस गई थी, जो कि 2 घंटे बाद ही फ्री हुई वहाँ से ट्रक के ट्रैफिक से। गाइस ट्रैफिक दिन में नहीं रहता, सिर्फ शाम में ही होता है यहाँ पे ट्रैफिक, क्योंकि ट्रक वाले जो होते हैं वो दिन में बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। तो देख रहे हैं फिलहाल रास्ता तो ज़्यादा कुछ हार्ड लग नहीं रहा है, बट हो सकता है अभी सामने। देखिए मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था, खाई है सामने साइड में और रास्ता ऐसा है, अगर ट्रक सीधा आ जाए तो सीधा नीचे ही जाएगा, कोई चांस नहीं है गाइस। हो सकता है ट्रक अपने आंग पे आ जाए और हमारी गलती ना हो। मैं तो रेफ़र नहीं कर रहा हूँ गाइस आपको यहाँ जाने का, बट फिर भी अगर घूमने जाना हो तो जा सकते हो। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे राइडर सुन आते थे इसके पहले, बट अभी लॉकडाउन के कारण तो कुछ नहीं होता है। ये देखिए शायद, अरे रे ये ही तो नहीं चाहिए था। देखो दोनों रूट से ट्रक आ रहा है, हम देखो गाड़ी कहाँ से निकालनी पड़ रही है, फंस गए यहाँ पे आके हम लोग। देखिए मोड़ देखिएगा अभी कितना भयंकर मोड़ है ये। जी हाँ गाइस मैं इसी मोड़ की बात कर रहा था, बेकार टर्न है ये। है गाइस यहाँ का व्यू पॉइंट, और जो यहाँ से जो व्यू मिलता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ, और शानदार नज़ारा दिखता है यहाँ का एकदम। फिलहाल तो गाइस ड्राइविंग पर फोकस करता हूँ, वापसी में मैं रुक लूँगा यहाँ पे आप लोग के लिए। फिलहाल तो थोड़ा बहुत डर लग ही रहा है कि क्या होगा हमारे साथ अभी आगे लाइफ में, जा पाऊँगा घर, नहीं जा पाऊँगा, गलत तो लग ही रहा है। ये देखो कर ले बेटा ओवरटेक, कर ले अच्छे से, कर ले, नहीं 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 तू कर ले, वाह क्या ड्राइवर हूँ ना यार भाई, जान देगा क्या, आगे जाने देना। ओ सिग्नल, जाने देना भाई, निकाल आगे निकाल ले गाड़ी, देख के शायद सामने से भी कोई आ जाए।
चल रहा है, ये देखो। अच्छा वो 2 मिनट लेट हो गए अपन, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड लेट हो गए। अरे आंग पे आएगा क्या? ये देखो गाइस कैसे ट्रक्स चल रहे हैं। हाँ गाइस मैं भूस्खलन की बात कर रहा था, उसका भी आपको व्यू मैं एंड में दे दूँगा। रोड आधा हो चुका है, खस खस के ज़मीन, वहाँ पे पत्थर जानना चालू है फिलहाल, बट फिर भी एक्सीडेंट होने का खतरा वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ये चल ही रहा है हमारा चक्री घाट मोड़, देख सकते हैं आप लोग, पूरा गाड़ी झुकानी ही पड़ेंगी यहाँ पे चलाने के लिए, और 20 की स्पीड से अगर चलते हो तो फिर ट्रक से ठुकाने का खतरा बहुत है आपको। एक्सीडेंट गाइस सबसे ज़्यादा होते हैं व्यू पॉइंट्स पे, तो गाइस वहाँ कम ही रुकना आप लोग भी, क्योंकि ट्रक भी सीधे आते हैं और वहीं घुस जाते हैं व्यू पॉइंट पे। देख सकते हैं आप ये जो रेलिंग्स है वो ट्रकों के ही कारण हुई है, ये गाइस व्यू पॉइंट है। रेलिंग्स जो डैमेज हुई है वो सिर्फ ट्रकों के ही कारण हुई है, और ट्रक उन ऐसे वैसे नहीं ठुकाया, सीधा खाई में ही गया वहाँ से। तो बहुत ही बोरिंग सा सफ़र हमारा यहाँ का। ये देखिए गाइस मैं इसी व्यू की बात कर रहा था आज, ये है व्यू पॉइंट पे से मैंने व्यूज लिया हूँ, कुछ इस प्रकार का व्यू है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग हरियाली है चारों तरफ। मैं रेनी सीजन में आया, बारिश का मौसम है फिलहाल, तो डर एक ही चीज़ का था कि बारिश ना हो यहाँ पे, बट ठीक है नहीं हुई, बच गए हम लोग। मौसम तो साफ़ है, बदली है थोड़ी सी क्लाउडी,